शुरू कर यहां पर पूरी तरह से वहां पर रह रही आम जनता के लिए, वहां पर रह रहे जो हिंदू हैं उनके लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया और दशहरे के दिन से दर्शन प्रारंभ कर दिए गए हैं। आइए कुछ अखबारों की न्यूज से इस माध्यम को जानने की कोशिश करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं मैजेस्टिक हिंदू टेंपल ओपन इन दुबई, ग्रैंड एंड मैजेस्टिक हिंदू टेंपल ओपन इन दुबई, दुबई के अंदर इसे ओपन किया गया है और यहां पर लगभग 16 मिलियन डॉलर का खर्च आया है इस मंदिर को बनाने में और 16 ही डेटीज देवी देवता इस मंदिर में विराजमान किए गए हैं। कहां पर है ये? दुबई में बना हुआ टेंपल है। आबू धाबी में मंदिर का निर्माण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो उसके फाउंडेशन स्टोन में रखते समय पहुंचे थे। एस जयशंकर साहब सितंबर माह में ही उसका निर्माण कराने देखते हुए आए हैं। दुबई में ये जो टेंपल बना है इसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक बार इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत भव्य प्रतीत होती हैं। इस मंदिर को देख करके आपको समझ में आता है कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी देवी देवताओं को विराजमान किया गया है और इस मंदिर का मुख्य आकर्षण ये लगा को घंटी घंटालियाँ लटकी हुई दिख रही हैं। लगभग सैकड़ों मतलब 100 से अधिक यहाँ पर पीतल की घंटियाँ लगाई गई हैं टेम्पल के अंदर पूरी तरह से। यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण है जो मैंने आपको बताया वो ये 3D प्रिंट, साथ यहाँ पर मंदिर के जो पिलर्स हैं उन्हें बड़े ही खूबसूरत तरीके से हैंड कार्व किया गया है, नक्काशी के साथ बनाया गया है, मार्बल्स की वॉल बनी हुई है, पूरी तरह से मंदिर मार्बल से निर्मित किया गया है। गल्फ न्यूज़ की अगर बात माने तो सभी देशों और मजहब के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। साथ में यहाँ सिखों का पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी मौजूद है और मंदिर के दीवारों पर खूबसूरत और बारीक नक्काशी यहाँ पर की गई है जो तस्वीरों से आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। मंदिर में लागत कितनी आई, क्या कॉस्ट रही, आइए एक बार उसका आंकड़ा जान लेते हैं। इस मंदिर के निर्माण में 900 टन स्टील का इस्तेमाल, 600 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 500 स्क्वायर मीटर मार्बल, 5000 स्क्वायर फीट का मुख्य सभागार, 1500 श्रद्धालु एक बार में बैठने की क्षमता, 750 श्रद्धालु ग्राउंड फ्लोर में बैठने की क्षमता, 200 श्रद्धालु एक ही बार में हॉल में सिटिंग कैपेसिटी, 6000 लोग हर दिन यहाँ पर पहुँच सकते हैं, 1,00,000 श्रद्धालु यहाँ पर दीवानी पर आने अनुमानित हैं। आप इस बात से इस मंदिर की भव्यता का अनुमान लगा सकते हैं। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि इस मंदिर का फायदा क्या होगा। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर डेमोग्राफी के बारे में बताता हूँ। यदि मैं UAE की पॉपुलेशन की बात करूँ तो यहाँ की कुल आबादी 1 करोड़ के अराउंड है, लगभग 10.2 मिलियन के आसपास यहाँ की आबादी है। उस आबादी के अंदर 12,00,000 लोग हिंदू हैं, यानी कि इस आबादी का 12% हिंदू हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो UAE की कुल आबादी है उस आबादी में 30% इंडियंस हैं। उन इंडियंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो इंडिया से जाकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी UAE के अंदर मेजॉरिटी इंडियंस, मतलब मेजॉरिटी जो वहाँ की जनसंख्या है वो इंडियंस की है। इसमें भी जो मैंने आपको बताया कि लगभग 10% इस एरिया में हिंदू, 10 से 12% हिंदू हैं, तो उनके लिए कोई भी टेम्पल पूरे UAE के अंदर नहीं था। ऐसी स्थिति में वहाँ की सरकारों को यह ऐसा मुख्य आकर्षण ये लगा हुआ 3D प्रिंटिंग से बना हुआ उल्टा लटकता हुआ लोटस है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है। तो यह एहसास हुआ कि यहाँ के लोगों की पूजा जो फिलहाल घरों में होती है उसे किसी पब्लिक प्लेस में भी कराने का स्थान बनाया जाए, तो इस प्रकार से दुबई में दशहरे से देव दर्शन शुरू करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो जेबेल अली मैंने मैप पर आपको दिखाया। इस मंदिर के अंदर चैंटिंग ओम शांति शांति ओम हो रही है। वर्कशिप विलेज पूरी तरह से बनाया गया है जिसमें कि जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब है उसी के पास चर्च भी बनाई गई है, दूसरे मतलब उसी प्रमाइसिस के नज़दीक, ताकि वहाँ पर सभी लोग, भारत से यहाँ पर पंडित भेजे गए हैं, 14 पंडित खास रूप से भारत से यहाँ पर भेजे गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ को मैनेज करने के लिए QR कोड की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मंदिर में 5 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर मतलब सभी लोगों के लिए इसको खोल दिया गया है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कितनी खूबसूरती से यहाँ पर सफ़ेद मार्बल का उपयोग किया गया है। हर चीज़ को यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से निर्मित किया गया है। कारीगर भी इंडिया से ही बुला करके यहाँ पर ले जाए गए हैं। मंदिर की नींव फरवरी 2020 में रखी गई थी और ये भारतीयों का लंबे समय से ख्वाब था कि उनके लिए यहाँ पर एक मंदिर बने जिसमें कि वो समय समय पर जा करके पूजा अर्चना कर सके। ठीक है,
जैसा यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग इस मंदिर में आ सकते हैं। ये यहाँ के मिनिस्ट्री की पहल है, यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनका प्रयास है, उनका कहना है कि हम सब यहाँ पर एक साथ रह सकें। सरकारी प्रयास से चूंकि इसका निर्माण 70,000 स्क्वायर फीट एरिया में हुआ है, इसलिए इसका उपयोग किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके यहाँ पर मंत्री हैं, टॉलरेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने देश के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के वहाँ पर, जिनका नाम है संजय सुधीर, उनके साथ मिलकर के इसका मतलब मंदिर के प्रवेश द्वार पर फीता काट करके इसका उद्घाटन किया। बहन जी,